नमस्कार। देखो बीएड फर्स्ट ईयर जिसमें हमारा पेपर है सब्जेक्ट है आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज हम इस पेपर के अंतर्गत सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के अंतर्गत सारा काम टेक्नोलॉजी बेस पर होगा आज के मॉडर्न जमाने में। तो इसमें जो है कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना कंप्यूटर और उससे जुड़ा हुआ इंटरनेट इसके द्वारा कोई भी कार्य आजकल असंभव है। हम जो है कोई भी कार्य को नहीं कर सकते, है ना। यह हमारे जो है सामान्य जीवन में भी देखने को मिलता है। तो जो है हमारा प्रकरण है वो है कंप्यूटर के गुण, क्योंकि जो भी कार्य होना है कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा होना है। इसी से सूचना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, जो भी डाटा है जो भी संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो स्वाभाविक बात है कि यह जो कार्य है सारा इसको हमारे कंप्यूटर पर होना है और भी माध्यम है जैसे लैपटॉप है मोबाइल है, लेकिन जो है कंप्यूटर भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आखिर उसके अंदर ऐसे क्या गुण है, तो उन गुण को हम जो है जानेंगे, यूटिलिटीज को हम जो जानेंगे कंप्यूटर की यूटिलिटी है, ठीक है। तो हम जानते हैं कंप्यूटर के गुण। तो पहला गुण है इसके अंतर्गत विश्वसनीयता। अब देखो विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है, विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर जो भी विद्यार्थी कार्य करते हैं, जो भी यूजर कंप्यूटर पर बैठकर कार्य करता है, उसके उन सारे कार्यों को अगर कोई दूसरा अन्य व्यक्ति जांच करता है चेक करता है तो उसे जो है सही ठहराया जाता है, उसे गलत को नहीं ठहराया जाता और उसको जो है एक राय दी जाती है, उसके कोई डिसीजन होता है वो एक ही होता है, अन्य डिसीजन नहीं होते। तो ये जो है विश्वसनीयता के अंदर आता है। और जानते हैं विश्वसनीयता क्या होती है, जब किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की बार बार जांच होने के बाद उत्तर पुस्तिका की बार बार जांच होने के बाद भी जांच होने के बाद भी परिणाम यह निकले, ठीक है, के बाद भी परिणाम एक ही निकले तब जो हम उसे विश्वसनीय कहेंगे, तब हम उस कार्य को विश्वसनीय कहेंगे। यह जो है कंप्यूटर के अंदर महत्वपूर्ण विशेषता है। हम जो है कोई भी टेस्ट लेते हैं, चाहे कोई भी रिपोर्ट टेस्ट दे, जैसे OMR है ना, OMR शीट जो होती है उस OMR शीट पर जो भी ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस की जो है विश्वसनीयता रहती है, क्योंकि उसको हजार बार चेक करने के बाद भी परिणाम क्या है ये ही निकलता है। तो इसलिए विश्वसनीयता के अंतर्गत आता है। और ये विश्वसनीयता का कार्य क्या होता है, तो होता है सीधा कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये बात हमने जानी विश्वसनीयता के। इसका तात्पर्य एक्यूरेसी, कंप्यूटर में जो भी कार्य एक्यूरेसी रूप में होते हैं उस पर हम कुछ भी लिखे वो एक्यूरेट लिखा जाएगा, चाहे उस पर इनपुट लिखो आउटपुट लिखा जाए
या कोई भी नाम लिखा जाए जैसे मोहन, ठीक है, कैपिटल लेटर में, तो वो जैसा ऐसा कैसा मौन रहना है। इसमें से एच डिलीट हो नहीं सकता, एन डिलीट हो नहीं सकता, इनपुट में एन डिलीट हो नहीं सकता, इसलिए यह कार्य शुद्धता से करता है, इसमें गलतियां होने की संभावना नहीं है, गलतियां होने की संभावना न के बराबर है। एक बार जो भी डाटा शुद्ध हो गया वो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें अशुद्धता नहीं पड़ती, एक्यूरेसी, ठीक है। ये था शुद्धता के अंतर्गत बातें हैं। और हम जाते हैं, देखो यह जो कार्य होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट के कार्य करता है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट, इस पर कार्य करता है, ठीक है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जब कंप्यूटर में कोई गलत निर्देश दिए जाएंगे, कंप्यूटर में गलत निर्देश दिए जाएंगे तभी जो है जो गलतियां कर सकता है, अन्यथा नहीं। अगर हमने गलत निर्देश दिए तो स्वाभाविक है कि आउटपुट होने के बाद यह भी गलत निर्देश देगा, लेकिन हमने अगर सत्य निर्देश दिए, इनपुट सत्य, डाटा सारे सत्य, ट्रूथ, जो भी फैक्ट डाले हैं तो उसमें जो है त्रुटि हमें सत्यता की जांच आउटपुट के द्वारा हमें प्राप्त होगी, चाहे प्रिंटर के द्वारा पेपर आउटपुट हो, इस प्रकार से हमें कार्य हो सकते हैं। तो गार्बेज ही सत्य बात है, गार्बेज है ना, गलत बातें अंदर प्रविष्ट की जाएगी तो गलत संदेश देगा, सत्य बातें प्रविष्ट की जाएगी तो सत्य संदेश देगा। ये था शुद्धता के अंतर्गत, ठीक है। अगला है स्वचालित, बहुत अच्छा पॉइंट है, स्वचालित। देखो कंप्यूटर के अलावा जैसे फैक्स मशीन है, उसमें भी हम एक बार बटन दबा देते हैं तो लगभग 100, 150, 200 जितनी भी फोटो कॉपी वो बाहर निकलती है। तो ऐसे ऐसे कार्य कंप्यूटर में भी होता है, कंप्यूटर पर हमको पेजेस निकालने हैं तो कितने भी पेज हो हम एक बार बटन दबा देते हैं, ढेर सारे पेज निकलते रहते हैं, स्वचालित कार्य होता है। इसमें फिर अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, यूजर की आवश्यकता नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात है, स्वचालित, ठीक है। फिर है तीव्र गति, यह बहुत अच्छा पॉइंट है, तीव्र गति। देखो मनुष्य का माइंड सबसे ज्यादा कार्य करता है, ठीक है, लेकिन परंतु बिकॉज क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सजीव प्राणी है, इसलिए जब उसकी ज्ञानेंद्रिया काम करती है, ज्ञानेंद्रिया या कर्मेंद्रिया काम करती है, तब तक जो है उसका माइंड काम करेगा, है ना, मेमोरी काम करेगी। ज्ञानेंद्रिया काम करना बंद हो जाए तो मेमोरी काम नहीं करती है। लेकिन कंप्यूटर मनुष्य से इसलिए आते हैं क्योंकि इसकी गति हजारों गुना मनुष्य की माइंड से ज्यादा है ना, तो तीव्र गति इसके अंतर्गत होती है। अब तीव्र गति कैसे होती है तो हम देखते हैं, एक मिली सेकेंड, एक मिली सेकेंड के अंदर 10^-3 सेकेंड कार्य करता है। एक मिली सेकेंड में 10^-3 सेकेंड यह जो है कार्य करता है, और फिर उसके बाद आता है माइक्रो सेकेंड, मिनी के बाद माइक्रो, माइक्रो सेकेंड में यह 10^-6 इतने सेकेंड तेजी से जो है कार्य करता है, माइक्रो के बाद
नैनो माइक्रो के बाद नैनो सेकंड और नैनो सेकंड में 10 की घात माइनस 9 प्रति सेकंड से कार्य कर सकता है और नैनो के बाद पीको यह बढ़ता क्रम है। कंप्यूटर की भाषा में पीको पीको से तात्पर्य है यह 10 की घात माइनस 12 सेकंड तीव्र गति से कार्य कर सकता है। तो देखो कंप्यूटर लैंग्वेज में इतनी तीव्र गति सेकंड से कार्य करता है कौन कंप्यूटर। तो मिली सेकंड 10 की घात माइनस 3 सेकंड में कार्य करता है माइक्रो नैनो और पीको। इसके अंतर्गत हमने ये बातें जानी। ठीक है, अब इसके बारे में उच्च संग्रह क्षमता उच्च संग्रह क्षमता हाई पावर स्टोरेज यह कंप्यूटर हमारे ढेर सारे तमाम डाटा को जो है एक साथ फीड कर सकता है ना, और लगभग डिलीट होने की संभावना भी कम है। जब तक ये यूजर सारे डाटा को फॉर्मेट या डिलीट नहीं कर देता डाटा वही यथावत रहते हैं। यह कुछ संग्रहण क्षमता के अंतर्गत आता है ना, हमने कहा जानी। और फिर इसके बाद कंप्यूटर की अगली विशेषता है तो इसके अंदर जान लेते हैं उच्च संग्रहण क्षमता कैसे होती है। देखो हम जो कंप्यूटर भाषा में जानते हैं कि 8 बिट, 8 बिट से तात्पर्य है 1 बाइट, 8 बिट से तात्पर्य है 1 बाइट। ठीक है, फिर 1024 बाइट में 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट होता है, 1 किलोबाइट। फिर 1024 किलोबाइट में 1024 किलोबाइट्स में 1 मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट। फिर 1024 मेगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स में गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होते हैं, 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है, टेराबाइट। ठीक है, तो यह जो है संग्रहण क्षमता के बारे में कुछ जो है डिजिट थे कंप्यूटर डिजिट। ठीक है, उनको हमने जाना। अब अगला है सक्षमता। देखो कंप्यूटर इतना सक्षम है कि ढेर सारे जो है डाटा को यह जो है अपने अंदर समाहित करके रखता है। डाटा जो है अपने अंदर समाहित करके रखता है, इसके अंदर इतनी क्षमता है। और यह 24 घंटे कार्य कर सकता है जब तक इसमें लाइट की सुविधा उपलब्ध है। यह इसके अंदर सक्षम है। इसकी तुलना अगर मनुष्य से की जाए तो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 16 या 20 घंटे कार्य कर सकता है। स्वाभाविक बात है कि मनुष्य से ज्यादा कार्य करने की क्षमता किसमें है, इसमें कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब अगला है वेदता।
कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनका कोई जो है एक क्वेश्चंस है और उनके चार ऑब्जेक्टिव आंसर है, उसमें से एक आंसर है माना जाए ऑप्शन फोर। तो वेद शास्त्र या तात्पर्य है कि जो ऑप्शन फोर को 15 मिनट की जांच करे ऑप्शन फोर यही होगा, जैसे इंडिया की राजधानी क्या है तो बताएंगे नहीं। इस प्रकार से वेद फैलाया जाना ये किसके अंतर्गत होता है, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये बातें हमने जानी। इस प्रकार से कंप्यूटर के बारे में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें जानी है। इसके अलावा कंप्यूटर और इंटरनेट की इसकी और इंटरनेट इंटरनेट का जो उदय हुआ वो हुआ सन 1995 से, और 1995 के बाद इंटरनेट और कंप्यूटर में तमाम कार्य करने की सक्षमता हासिल की और उसके बाद तमाम कार्य हमारे जो है कंप्यूटर जगत में हो रहे हैं। इस प्रकार से हमें एसीपी के अंतर्गत दे जाना। अब देखो आपके इस पे जो है मैं घर कार्य देता हूँ, प्रमुख डिजिट के प्रकारों को लिखिए। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन से आपको करना है। ठीक, कोरोना के लिए जैसा सब रोज बता रहे मैं भी बताता हूँ, तो आज वापिस आपके लिए कि आज सैनिटाइजर करें, जहाँ तक हो सके मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ से दूर रहें, जहाँ तक हो सके घर से बाहर कम निकलें।